सेंटर इज प्रपोज्ड, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा CII एसोचैम के साथ मिलके, उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 25,000 यूथ को मिलेगी और उसके बाद प्लेसमेंट के लिए भी हमने इसमें प्रोविजन किया है कि बाहर से जो कंपनीज आएंगी वो हमारी ट्रेन यूथ को कैसे प्लेस करेंगी, कैसे पिकअप करेंगी। हमने जबलपुर यूथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में भी लिखा है, उसमें एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम के बारे में हम अनाउंस कर चुके हैं, वो हमारा प्रयास होगा। उसके बाद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आने वाली है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी सेटअप एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में भी 40 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाने का प्रपोजल है। फिर हम लोग सब्सिडाइज कोचिंग के लिए भी प्रयास करेंगे और आप लोग जो एंटरप्रेनर्स हैं उनका जो इंक्यूबेशन के लिए जो एक सेटअप होता है, जिससे आपको गाइडेंस मिले कि आप लोग कैसे अपने एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकते हैं। वो जो स्मार्ट सिटी में एक ऑफिस खुला है बट वो बहुत वीक ऑफिस है, हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे जिससे कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले कि आप लोग स्टार्टअप कैसे ला सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम। इसी तरह हमने जबलपुर को एक टूरिस्ट हब बनाने की बात की है, यूथ एक्टिविटी सेंटर की बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है और यूथ कनेक्ट ऐप। और एक अलग से हमने इशू है, हमने सोचा है कि जबलपुर के बाहर आज में विश्व में कई देशों में ये है, यू हैव अ नॉलेज सिटी। नॉलेज सिटी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा कैंपस होता है, उस कैंपस में अलग अलग रिसर्च सेंटर्स और कोर्सेज जो होते हैं उनको कंडक्ट किया जाता है। नॉलेज सिटी का मतलब ये होता है कि जो एक्सीलेंस की जो बात होती है वो नॉलेज सिटी के माध्यम से डेवलप होती है। हम तो चाहेंगे कि ऐसी नॉलेज सिटी सेटअप हो कि जिसमें जिसका डायरेक्टर एक नोबेल लॉरेट बने, मतलब तब नॉलेज सिटी अच्छे से बढ़ती है। तो ये हमारा है यूथ के लिए एक मैनिफेस्टो, जिसकी डिटेल्स आपको अभी दे दी जाएंगी और आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो हमारा मैनिफेस्टो है वो है हमारा विजन डॉक्यूमेंट। जबलपुर के बारे में हमारा क्या विजन है, ये जो है बड़ा एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने जो कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल्स मिले हैं उनको डॉक्यूमेंट किया है, जो हम करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट किया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उसको सब डॉक्यूमेंट किया है कि बरगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम क्या चाहते हैं, कैंट में क्या चाहते हैं, वेस्ट में क्या चाहते हैं, ईस्ट में क्या चाहते हैं, नॉर्थ में क्या चाहते हैं, पनागर में क्या चाहते हैं। और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये खाली इलस्ट्रेटिव है, मतलब ये शुरुआत है। और मैंने जैसे कल से बोला, राकेश सिंह जी को 15 साल का मौका मिला और उन्होंने क्या किया आज तक हम पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जबलपुर की ऐसी क्या चीज की जिससे जबलपुर उनको याद रखे, क्योंकि विषय नहीं था। मगर जो मैं कह रहा हूँ, हमने क्या किया ये हमने 3 महीने में प्रूफ किया। कैबिनेट मीटिंग कराई जो 7 साल में कभी नहीं हुई थी और उस कैबिनेट मीटिंग में तरुण भाई, लखन भाई और हमारे दोनों MLAs ने मिलके 2,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कराए हैं बहुत बहुत इंटायर जबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है और ये उपलब्धि खाली 2 महीनों में आई है। आपको मैं मजाक कह रहा हूँ, मजाक में बोल रहा हूँ, बट ये बोल सकता हूँ कि जो अभी आपने 2 महीने में देखा है वो मात्र एक ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो 2 महीने में हमने आपको कैबिनेट मीटिंग करा दी, हमने 2,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपके लिए सैंक्शन करा दिए और अभी हमको पता है कि हम जबलपुर को किस तरह पूना, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर के तर्ज में आगे बढ़ाएंगे।
आज जबलपुर का विषय कुछ और नहीं है, जबलपुर का विषय खाली जबलपुर की प्रोग्रेस है, जबलपुर का विकास है। और अगर हम विकास को की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, और जिसके लिए हमारी फ्यूचर जनरेशन हमारे कभी हमको माफ नहीं करेगा। तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये दृष्टि पत्र है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस तरह से हमने 2 महीने में इतना सब कुछ करके दिखाया जो आप लोग के कल्पना के परे था, आप तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई कैबिनेट मीटिंग जैसी चीज कहीं हो सकती है। जबलपुर में तो बहुत दूर की बात है, कैबिनेट मीटिंग करा के हमने ये बता दिया आपको कि जबलपुर का वही महत्व है जो एक राजधानी का महत्व होना चाहिए। 56 में जो हमारे साथ अन्याय हुआ था उस अन्याय को खत्म करने का हमने एक प्रयास किया, और जिस तरह से हमारे सर, हमारे ताज, हमारे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने जबलपुर के लिए जिसका दिल बहुत बड़ा है जबलपुर के लिए, और जबलपुर की तरफ से जब आप उनसे कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं वो एकदम से मानते हैं, और जिस तरह से चारों हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको परसुएट करके इतनी बड़ी फेरिस पास कराई कैबिनेट में, मैं चारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्पेशली वित्त मंत्री जी को देता हूँ, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। मगर ये अभी शुरुआत है, ये तो हमने आपको 2 महीने में करके बताया, 5 साल में हम आपको क्या करके बताएंगे ये आपको भविष्य बताएगा। हम आज आपसे जो वोट मांग रहे हैं उस भविष्य के लिए मांग रहे हैं, वो भविष्य खाली जबलपुर का नहीं, जबलपुर के बच्चों का भी है, महिलाओं का भी है, सब पूरी पॉपुलेशन का भविष्य। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें हम उसके लिए रेडी हैं। फोटो ले लो भैया।